हे hey बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, आज हम लोग मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पार्ट 3 में हम लोग 3.5 दैट इज एक्सेलरेशन देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन आया कैसे। अब क्या होता है बच्चों, सपोज जैसे कोई आपकी बॉडी है, ठीक है, कोई कार वार कुछ भी गाड़ी ले लो, वो गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुआ और वो फाइनल पोजीशन पे जाके रुक गया। ओके, तो अब क्या होता है कि वो बीच में क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, है ना, वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहेगी। तो जो वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, जो वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, क्या वेलोसिटी, उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस वेलोसिटी चेंज को हम लोग किस चीज से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए ही हमारा जो वर्ड है एक्सेलरेशन, वो आया। ठीक है बच्चों, तो ये समझा एक्सेलरेशन कैसे आया। इसके लिए जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन रहेगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, विथ टाइम, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आया। अब इसका यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट, यूनिट इसका जो होता रहेगा होता है, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलो ये तो बेसिक चीजें था, एक्सेलरेशन कैसे आया और इसका यूनिट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो हम लोग ने वेलोसिटी की बात किया था, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात किया था, तो वैसे ही इसमें भी हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, एवरेज, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ये आपका होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जिसको हम लोग लिखेंगे v2 - v1 अपॉन t2 - t1। ठीक है, यहां पे जो v2 रहेगा वो वेलोसिटी एट टाइम t2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो v1 रहेगा वो वेलोसिटी एट टाइम t1 रहेगा। ठीक है, ये समझा, ये क्या होगा और ये क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। कब, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है कहीं पर, ये साथ में ये भी लिख लेना कि v2 क्या है और v1 क्या है और t2 क्या है और t1 क्या है। ठीक है बच्चों, तो फिर अब हम आगे देखते हैं। ओके, अब बच्चों ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ, एक मिनट, ये ग्राफ दिख रहा है 3.7 ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ का, ये ग्राफ आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये ऊपर वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो इसमें हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, तीन पार्ट का एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक तो यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, चलिए इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दे और उसे देखते कंक्लूड कर दे कि क्या आता है। ठीक है, सो उस ग्राफ को हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस ग्राफ में हम लोग क्या निकालना है, देखिए पहले एक जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालने वाले। तो पहला हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे वो बिटवीन टाइम t1 उसमें रहेगा 0 सेकेंड और t2 रहेगा आपका 10 सेकेंड। ठीक है, और t2 = 10 सेकेंड। तो इन दोनों के बीच का हम लोग पहले, ये दोनों टाइम के बीच का हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन का हमको फॉर्मूला पता है, एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, एक्स ही मैं लिखता हूँ बस, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v2 - v1 अपॉन t2 - t1। ठीक है, तो v2 यहाँ पे क्या होगा, v2 मैंने बोला था एट अ टाइम t2 होता है, तो एट अ टाइम t2 आपको क्या, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो 10 सेकेंड पर आपका ये वेलोसिटी का ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी कितना है 10 सेकेंड पर, 25 है, तो ये 25 हो गया। माइनस v1 रहता है एट अ टाइम t1, तो t1 पे आपका, t1 तो 0 सेकेंड है, तो 0 सेकेंड पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 ही होगा ना। ठीक है, यहीं से वो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो v1 आपका हो गया 0 अपॉन t2, आपको पता है 10 सेकेंड है, माइनस t1 0 सेकेंड है,
तो ये हो गया 25/10, ठीक है। तो 25/10 क्या आएगा, 25/10 होगा। सो ये आएगा आपका प्लस में आएगा, प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन, ए लिखता हूँ मैं स्मॉल ए, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये आपका फर्स्ट चीज हो गया। सेकंड हम देखते हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो, ये अगर मैं इसकी बात करूँ ग्राफ की, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी देखो इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आया, प्लस में आया। यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस में आया, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम टी वन क्या रहेगा आपका, 10 सेकेंड, ठीक है। और टी टू आपका क्या रहेगा, टी टू रहेगा यहाँ पे टर्न हो रहा है ना 18 सेकेंड पे, 18 सेकेंड, ठीक है जी। इसमें मैं एक लाइन मारता हूँ बीच में, वरना दोनों एक एक में ही दिखेगा, ठीक है। 18 सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन। सो दैट विल बी वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। सो वी टू एट अ टाइम टी टू, टी टू किधर है, ये रहा, ये टी टू है ना इधर 18 सेकेंड। तो उसके टाइम पे जो वेलोसिटी है वो तो 25 है, 25 माइनस वी वन, वी वन एट अ टाइम टी वन। तो वी वन तो यहाँ, टी वन तो यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो उसके अराउंड वी वन क्या होगा, 25 ही होगा अपॉन 18 माइनस 10। सो ये तो जीरो हो गया ना, 0/8 हो गया। सो दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, तो जब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आया, एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरा जीरो आया, ठीक है बच्चों। अब अगला वाला देखते हैं, अगला वाला थर्ड, एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम टी वन जो रहेगा आपका, यहाँ पे टी वन हम लोग 18 सेकेंड लेंगे, ठीक। और टी टू जो लेंगे वो कितना लेंगे, 20 सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन देखते क्या आता है, एवरेजेशन वही वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। सो वी टू एट टाइम टी टू, तो एट टाइम 20 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, यहाँ पे देखो जीरो है, तभी वो एक्स एक्सिस पर है। तो जीरो माइनस वेलोसिटी वी वन, वेलोसिटी एट टाइम 18 सेकेंड, 18 सेकेंड पे वो 25 है, 25 अपॉन टी टू इज 20 माइनस 18। सो ये आता है अराउंड माइनस 25 अपॉन 2। सो इसका आंसर आएगा, इसका एवरेज एक्सेलरेशन आएगा 12.-12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये देखो, जब मेरा वेलोसिटी इस यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होता है, तो जो मेरा एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस ग्राफ से हमने हमने क्या सीखा कि जब भी मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव रहता है, जब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो जो मेरा एक्सेलरेशन है वो जीरो रहता है, जब मेरा वेलोसिटी डिक्रीज होता है, डिक्रीज, तो जो मेरा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज, ये कंसेप्ट सीखा, ओके भाई। अब आगे वाला देखते हैं कि ये क्या है, ये जो ग्राफ दिया है यहाँ पे, ये जो ग्राफ है ये क्या ग्राफ, कैसा ग्राफ है, ठीक है ये वाला। तो चलो उसके बारे में देखते हैं, ये नोट कर लो आप चाहिए तो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगला हम लोग आपका जो टेक्स्ट बुक में फिगर नंबर 3.8 है उसको समझते हैं, ठीक है। तो उसको ये लोग ने किस से समझाया, वो आपका जो फिगर नंबर 3.3 है ना उसके थ्रू समझाया हुआ है। तो देखो मैंने ये वाला एक्सिस लिया नहीं है और ना ये एक्सिस लिया है, बट आपको पता है ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये तो पूरा जीरो के ऊपर ये पूरा प्लस होता है, और यहाँ पे ये जीरो के ऊपर पूरा प्लस रहेगा, ये जीरो के नीचे माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखो जरा ग्राफ में ध्यान से देखते हैं, पहले ये वाला ग्राफ पे देखते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या है देखो, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है ये वाला। तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट मेरा थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ता है, जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो आपका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है, कब तक, 10 सेकेंड तक। तो जीरो से लेकर 10 सेकेंड तक आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो आपका वेलोसिटी पॉजिटिव में रहेगा, मतलब 10 सेकेंड तक पॉजिटिव
पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी आपका पॉजिटिव में हो गया, सॉरी एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव में होगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे देखो 10 सेकेंड से 18 सेकेंड तक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैंने बराबर बनाया नहीं है लेकिन स्ट्रेट लाइन है। तो जब एक्स वर्सेस टी में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन रहता है तो बच्चों वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट रहता है। जब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो बच्चों क्या होगा बताओ, एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो। तो मतलब मेरा 10 सेकेंड पे आएगा जो वो यहां से लेके 18 सेकेंड तक वो जीरो पे ही रहेगा, ठीक है। 18 सेकेंड तक वो जीरो पे रहेगा यहां तक, ठीक। अब देखो 18 सेकेंड से और 20 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो रोक रहा है, मतलब गाड़ी धीरे धीरे रुक रहा है, ठीक है। अभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया था जो भी ऑब्जेक्ट था या फिर व्हीकल था, अब ऑब्जेक्ट धीरे 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 मतलब धीरे धीरे वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी यहाँ पे कम कर रहा है, वो वेलोसिटी गाड़ी का डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव बिटवीन 18 to 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से 20 सेकेंड के बीच में नेगेटिव चला गया, नेगेटिव। तो ये जो भी रहेगा वो नेगेटिव पे वैल्यू रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही नेगेटिव है ना, जीरो के नीचे। तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। तो वो 20 सेकेंड के बाद, देखो 20 सेकेंड के बाद एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वही है, जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा वही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो रहेगा, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे जीरो, तो इसके लिए यहाँ पे जीरो पे आ गया आपका, 20 सेकेंड के बाद जीरो पे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो बस यही आपका ग्राफ उसमें समझाया है, फिगर नंबर 3.3 को लेकर फिगर नंबर 3.8 समझाया है आपका, ठीक है। तो ये समझा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले जैसे अभी आगे इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बताया, तो इसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ठीक है, ग्राफ के बारे में या फिर जो भी कांस्टेंट रहता है चीज बता देता हूँ, ठीक है। क्या कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट कैसा है? मतलब ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोला मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे मैं एक्स लेता हूँ, अगर मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो होगा आपका वेलोसिटी जीरो रहेगा और एक्सेलरेशन भी बच्चों जीरो रहेगा, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कैसे बनेगा अगर मुझे बनाना है तो, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन क्योंकि कांस्टेंट है ना, अगर एक ही जगह पर सपोज ये 5 मीटर है तो टाइम बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो 5 मीटर पे ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी का पोजीशन उधर ही है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, यहाँ पे दोनों ही जीरो आते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक। जब बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो मेरा क्या जीरो आता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो आता है बस, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ग्राफ की बात करूं, अब वेलोसिटी कांस्टेंट पे, तो मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, जैसे ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो मेरा टाइम 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, चलो 4 सेकंड ले लेते, ज़्यादा नहीं। और दूसरा ये जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हो गया, देखो हर एक टाइम में, हर सेकंड में जो वेलोसिटी है, बॉडी जो बॉडी का वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है ना। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से समझ में आ गया। अब मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ, ये इसका ग्राफ था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का ग्राफ था। अब इसमें हम लोग दो ग्राफ बनाएंगे, पहले तो ओए तेरी की ये क्या बन गया रही है, एक तो मैं एक्स टी का बनाऊंगा और एक वी टी का बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ए टी का ग्राफ नहीं बनेगा, वी टी का। तो बच्चों यहाँ पे जो एक्स टी का ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा, वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगा
तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहेगा, वेलोसिटी और टाइम का, वो ऐसा रहेगा, कोई भी, सपोज मैंने बताया था ना 2 मीटर पर सेकेंड पे एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है। मैंने लिखा था ना अभी 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, बट वो 2 मीटर पे ही था, 2 मीटर पर सेकेंड पे ही था। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा आएगा, किसका, वेलोसिटी कांस्टेंट का। तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा बात करते हैं, तीसरा दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। स्मॉल एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए लेते हैं, ठीक है। जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा बच्चों, तो इसमें आपको याद रखना है यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था, यहाँ पे ये दोनों ही जीरो था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि सपोज मेरा ये टाइम है, ये मेरा एक्सेलरेशन है, ये मेरा वेलोसिटी है, ठीक। तो जो मेरा टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ज्यादा नहीं लेता हूँ, इतने लेता हूँ। तो जो मेरा एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देख रहे हो आप, मेरा टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन जो मेरा एक्सेलरेशन है उतना ही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन सेम है। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सेम रहेगा? नो, वेलोसिटी यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर सपोज पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगले सेकंड में 4 मीटर, सॉरी पर सेकंड यूनिट नहीं होता इसका, पर सेकंड है, तो अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, उसके अगले सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, उसके अगले सेकंंड में 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हो बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब इन दोनों के बीच में भी 2 ही है, इन दोनों के बीच में भी 2 ही है, 2 मीटर पर सेकंड है, इन दोनों के बीच में भी 2 मीटर पर सेकंड है, इन दोनों के बीच में भी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा, चाहिए तो आप लिख लो, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ इसको रफ करके, ठीक है। लेट्स रफ इट। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो इसका ग्राफ बनाया मैंने ऐसे, बनाया ऐसे, तो मैं वेलोसिटी कांस्टेंट में एक्स वर्सेस टी और वी वर्सेस टी का ग्राफ इसमें बनाया था, ग्राफ बनाया था। अब इसमें वी वर्सेस टी और ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाऊंगा, इसका एक्स वर्सेस टी भी आएगा ग्राफ, ठीक है। चलो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो पहले मैं काम करता हूँ, दो तीनों ही बना देता हूँ ग्राफ, क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका ग्राफ ही नहीं होगा, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका, इसमें एक्सेलरेशन का ग्राफ ही नहीं होगा, बट इसमें एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो इसमें कुछ भी जीरो नहीं ना, तो इसमें तीनों ग्राफ होगा, सीधी सी बात है। तो एक्स और टी की अगर बात की जाए तो इसका जो ग्राफ है ना वो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, मतलब वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो पोजिशन ऑफ द बॉडी इंक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहे हैं, ये टाइम में बहुत ज्यादा होते रहेगा, ठीक है। तो एक्स वर्सेस टी में का ग्राफ ऐसे आएगा इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट में, लेकिन वी वर्सेस टी का ग्राफ कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मैंने अभी बताया था ना स्ट्रेट, उसके पहले एग्जांपल लिया था ना मैंने, तो एग्जांपल के हिसाब से स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, वी वर्सेस टी में का ग्राफ। लेकिन ए वर्सेस टी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जिसको जो कि रहेगा 2 मीटर पर, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, क्योंकि मेरा टाइम बढ़ते रहेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, लेकिन जो आपका बॉडी का एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, ठीक है, इन तीनों का ग्राफ कैसे आएगा। ओके भाई, तो चलिए आगे देखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था इसके पहले, तो सिमिलर ही है, वैसे ही है, ठीक है। अब एक और चीज, हाँ नहीं पहले ही बता देता हूँ पहले, ठीक है। जैसे अब कोई बॉडी है वो चल रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर आया, सपोज एट टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, एट टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर जाके फाइनल पोजीशन में पहुंच गया। तो कोई भी जब बॉडी बीच में रहेगी, तो सपोज वो टाइम हो रहा रहेगा 2 सेकेंड, तो उस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सपोज यहाँ पे बॉडी पहुंचा उस टाइम, वो टाइम रहेगा आपका 7 सेकेंड, तो उस टाइम पे आपका 7 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो बच्चों इसको ही हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक, ठीक है, ओके। एक मिनट, कैमरा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों।
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला क्या आएगा फिर, ए इज इक्वल्स टू इंस्टेंट, मतलब क्या होता है कोई भी शॉर्ट टाइम में, कोई भी छोटे टाइम में, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में, यू कैन सी इट, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में दैट इज 2 सेकंड में, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में 7 सेकंड में, तो ये क्या आएगा एक्सेलरेशन विल बी डीवी बाय डीटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एवरेज एक्सेलरेशन का v2 - v1 / t2 - t1, ये था फॉर्मूला। ठीक है, और दोनों में फर्क है, ठीक है दोनों में डिफरेंस है। ओके भाई, एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग क्यों लगाते हैं ये मैंने आपको बताया था। हाँ, जैसे हम लोग वेलोसिटी में एवरेज लेते हैं ना, वैसे ही एक्सेलरेशन में भी एवरेज लेते हैं। जैसे कोई भी बॉडी इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन पर जाती है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही एक्सेलरेशन पे जाती है, उसका एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो हम लोग इनिशियल से लेके फाइनल तक जो भी एक्सेलरेशन लेते हैं ना, उसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन ही लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी के बारे में मैंने ऐसे ही कुछ बताया था। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का देख लिए क्या होता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ जो है वो देखते हैं। तो बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल क्या लिया है, आपके टेस्ट में एग्जांपल तो नहीं लिया बट मैं खुद से ले रहा हूँ, कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, और दूसरा फाइंड करना है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t1 2 सेकेंड एंड टाइम t2 5 सेकेंड। आपका जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, ये हम लोगों ने डिस्प्लेस इसके पहले जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी था ना, उसमें भी ऐसा किया हुआ है, बट यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट दिया रहता था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बट वेलोसिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो वी हो गया आपका 4 + 5t का स्क्वायर, वी के बदले हम लोग 4 + 5t का स्क्वायर लिखेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 4, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ 5t स्क्वायर, 5 तो कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 0 तो 0 चला गया, 5 तो 10, 10t हो गया। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया वो कितना आया बच्चों, 10t आया, लेकिन आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम एट 2 सेकेंड, टाइम एट 5 सेकेंड। तो यू कैन से एट t1 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रहेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 10 × 2, t के बदले आपको 2 रखना है, दैट इज 20 m/s² एट टाइम t2 इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, बस t के बदले आपको 5 रखना है, 50 m/s². तो ये आपका आया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक आपका 20 m/s² आया, दूसरा आपका 50 m/s² आया। अब एवरेज एक्सेलरेशन आपका अलग आएगा। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप सीधे कॉपी कर लो। ओके, तो बच्चों अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दो टाइम दिया हुआ है वहां पे, तो जो मैं एक्सेलरेशन आया, हाँ एवरेज एक्सेलरेशन सिंपल है। हाँ देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है ना, t1 एंड t2। तो पहले जो वेलोसिटी है हम लोग एट टाइम t1 लेंगे, वेलोसिटी एट टाइम t1, उसका इक्वेशन बनता है 4 + 5 t के बदले t1 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 + 5 t1, टी वन कितना, 2 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 स्क्वायर 4, वाई जा 20 24 हो गया, 24 m/s आया। ठीक है, वेलोसिटी एट टाइम t1, टाइम t1 कितना है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, ये आया। अब वेलोसिटी एट 5 सेकेंड क्या आएगा, पहले ये इक्वेशन लगाओ क्योंकि वेलोसिटी का इक्वेशन यही है, 5 t2 स्क्वायर। सो ये आएगा 4 + 5 t2 कितना है, 5 का स्क्वायर, सो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, सो 125 + 4, 129 m/s। ठीक है बच्चों, तो अब आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको फॉर्मूला पता है, तो हम लोग पहले ये v2 हो गया, ये v1 हो गया, तो v2 एट टाइम t2
माइनस वी वन एट ए टाइम टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये फॉर्मूला में आना चाहिए। सो वेलोसिटी एट टाइम टी टू क्या है 129, माइनस वेलोसिटी एट टाइम टी वन क्या है 24 अपॉन टी टू कितना है 5 माइनस 2, टी टू आपका 5 है टी वन 2 है, ठीक है। सो अगर मैं माइनस करूँ तो 9 माइनस 4 5 होता है, 2 माइनस 2 0 होता है, और ये बन आता है अपॉन 3 आता है, 3 कैडर में जाएगा ये 3 9 3 50, तो 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना आ गया, देखो अलग आ गया ना, उसमें वो अलग आया था आपका 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आप बच्चों आपका एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में फर्क होता है, ठीक। ओके तो बच्चों जो एक्सीलरेशन 3.5 टॉपिक ही चल रहा है अभी तक एक्सीलरेशन, तो बच्चों जो मैंने एक्सेलरेशन मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है टर्म यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में क्या फ़र्क है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो क्या फ़र्क है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, तो वापस बता देता हूँ। अब देखो इसमें टाइम रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, तो टाइम मेरा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 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 ठीक। नॉन यूनिफॉर्म में एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है यहाँ पे हर एक सेकेंड में आपका सिर्फ एक्सेलरेशन दो दो बढ़ रहा है, 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है ना, मैंने कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यही होता है बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब हर इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है, इक्वल एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, और ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो बच्चों ये आपका हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो ही नहीं रहा ना, देखो दोनों के बीच में किधर इंक्रीज हो रहा है, दोनों के बीच में जीरो ही है, दोनों के बीच में जीरो ही है, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी ही आएगा, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी ही आएगा। तो अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप देखो ये दोनों के बीच में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रहा है। मतलब हर सेकेंड में यहाँ पे 2 मीटर पर, हर हर जो इंटरवल ऑफ टाइम है दो, हर एक सेकेंड में सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बढ़ रहा है। तो ये भी आ गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे कई एग्जांपल आ सकते हैं। तो ये जो पहला वाला एग्जांपल लिया था वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल था, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहाँ इंक्रीज ही नहीं हो रहा ना, 0 मीटर, तो जीरो अगर मतलब इक्वल ही है, वैसे देखा जाए तो 0 0 0 ही है, इक्वल ही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही है। तो ये भी आपका यूनिफॉर्म में आ सकता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये भी आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये भी आपका होगा, क्यों, क्योंकि वो 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बढ़ रहा है हर सेकेंड में। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 से लेके 2 सेकेंड में यहाँ पे कितना बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, -1 मीटर पर सेकेंड, डी एक्सेलरेट हो गया यहाँ पे। इन दोनों के मैं बीच में बात करूँ तो 2 बढ़ गया भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ गया। इन दोनों के बीच में बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ा, ठीक है। तो अब आगे आगे क्या पता वापस कम हो जाए, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पहले कम हुआ फिर बढ़ा फिर बढ़ा, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट एग्जैक्टली नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्टली ना एग्जैक्टली एक्सेलरेशन है। तो अगर एग्जैक्ट एक्सेलरेशन रहता तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाता इसके जैसे, लेकिन यहाँ पे पहले कम हुआ फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा नहीं फिर हाँ फिर बढ़ा ही, वैसे 2 मीटर से बढ़ा, 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म में। अब क्या पता अगला जो 5 सेकेंड रहेगा, आगे 5 सेकेंड पे आपका कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दो दो के बाद दो, फिर 2 के बाद 1 हो गया, वापस कम हो गया,
उपज कम हो गया ना, ठीक है। तो ये एक्सीलरेट हो रहा है, डी एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, डी एक्सीलरेट हो, तो ये बेसिकली क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर जो इस चैप्टर में एक्सेलरेशन लेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही रहेगा, यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन रहेगा वो यूनिफॉर्मली ही रहेगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ओके, तो ठीक है, अब आगे वाला जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग ये वाला ग्राफ देखते हैं, ठीक है, फिगर नंबर 3.9, फिर हम लोग इसके बाद ये वाला मैं ग्राफ आपको बताऊंगा, ठीक है, फिगर नंबर 3.10, ठीक है। तो दोनों देखते हैं, फिर ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट फोर में ये करेंगे 3.6, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ओके, तो बच्चों ये वाला जो ग्राफ है इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये देखो, ये इसका मतलब क्या, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है मतलब यू कैन से पोजीशन पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, पोजीशन तेजी से चेंज हो रहा है, तेजी से मतलब फास्टली चेंज हो रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगा ना वो पॉजिटिव होगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ईजी है। ओके भाई, अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये तो इसकी बात मत करो, आगे की बात करो। यहाँ पे जैसे जैसे मेरा टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, पोजिशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, पोजिशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। वो तीन मैंने सॉल्व किया था ना एग्जाम्पल लेके, तीन एवरेज एक्सेलरेशन मैंने निकाला था वही। अब यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ पे वो कांस्टेंट है, नहीं ये कांस्टेंट तो नहीं है यार डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज हो रहा है बट यूनिफॉर्मली, ठीक है, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मतलब यूनिफॉर्मली यू कैन से, ठीक है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे बोल दिया था कॉन्स्टेंट, तो वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो जब कॉन्स्टेंटली वो बढ़ता है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है ये मतलब यू कैन से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, बट कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विल बी क्या होगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी बताओ क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी आपका सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक्चुअल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, कैसे भी इंक्रीज हो रहा है, वैसे देखा जाए तो कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, क्यों, यू कैन से यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका कांस्टेंट आएगा, तो वेलोसिटी का अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, इस चीज़ का अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो जब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी, अब मैंने आपको बताया था ना एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यही आपको बताया ग्राफ में, एक प्लस होगा जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन प्लस होता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। बस यही चीज आपका बताया इसमें, ये ग्राफ में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्राफ्स है, ठीक है, इसको आप अगर समझ जाओगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैमरा शेक कर रहा है बट कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो ये अलग अलग केसेस है और यहाँ पे आपका दिया हुआ है बिटवीन ST, ST मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ, और उसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो इसको ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं तो बाकी इजीली मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखो अगर बॉडी रेस्ट पर है तो सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कौन एक ही जगह पे रहेगा ना, एक ही जगह पे रुका हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन।
और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी तो अपेक्स स्ट्रेट लाइन आता है, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या होगा जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। यहाँ इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट ओवर हियर। अब एक्सेलरेशन टाइम की बात करो तो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो गया तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो आता है, तो इसका कोई ग्राफ ही नहीं होगा। और यहाँ पे वीटी, इसका स्लोप क्या होगा, देखो इसका स्लोप निकालोगे तो जीरो ही होगा, कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो ना इस पे, कोई भी दो पॉइंट का आप स्लोप निकाल दो, स्लोप पता है ना, y2 - y1 / x2 - x1, ऐसे स्लोप निकालते हैं, तो कोई भी इस स्ट्रेट लाइन का ये जो है उसका आपका जीरो ही आता है स्लोप, ठीक है, कोई भी एक एक्सिस पे लाइन रहता है तो, ठीक है, तो इसका स्लोप जीरो आएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम जीरो, मतलब जो बॉडी है स्टार्टिंग में तो सब जीरो है उसका, लेकिन वो यूनिफॉर्मली एक्सेलेट कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलेट मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले अभी, यूनिफॉर्म के बीच में, तो मतलब वो हर सेकंड में दो दो मीटर स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इंक्रीज कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होगा वो कुछ तेजी से बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो हर सेकंड में तेजी से इंक्रीज कर रहा है ना यार, एक्सेलरेशन हर सेकंड में दो दो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंक्रीज किए जा रहा है, मतलब बॉडी बहुत तेजी से अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है पोजिशन, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा। और ये होगा s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये काइनेमेटिक इक्वेशन से आया है, ठीक है, तो इसको आप फिलहाल जाने दो, काइनेमेटिक इक्वेशन अगले वाले पार्ट में करेंगे तो उसमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ, सिर्फ अभी मैं सिर्फ आपको ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ कैसे देखते हैं। अब ये हो गया वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम में इसमें क्या आएगा, सॉरी इसका देख लिया था ना, हाँ नहीं इसका ही देखना है, तो इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलेट हो रहा ना, तो जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, बट यहाँ पे स्लोप इज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट का वैल्यू ले लो, उस दो पॉइंट को y2 - y1 / x2 - x1 कर दो, मतलब वाई एक्सिस के हो गया y2 - y1 / x2 - x1, कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हो, तो स्लोप यहाँ पे प्लस ही मिलेगा, ठीक है, अगर ऊपर है तो स्लोप प्लस ही मिलता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड विद इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, ठीक है बच्चों, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉडी में पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ये बॉडी चल रही है तो पहले से कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो और तेजी से बढ़ेगा, ये देखो और अंदर आ गया, ये थोड़ा ज्यादा टाइम में ऊपर गया, ये थोड़ा कम टाइम में ऊपर चला गया, ठीक है, ये थोड़ा कम टाइम में ही, सपोज ये 5 सेकंड में क्या रहेगा, तो ये 3 सेकंड में ऊपर चला गया इसका ग्राफ, तो जब क्योंकि इनिशियली एक्सेलरेशन था ना उसमें, तो बॉडी पहले से वो डिस्प्लेसमेंट में था, तो और वो डिस्प्लेसमेंट हो गया और कम टाइम में वो डिस्प्लेस हो जाएगा। और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ में क्या आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही है, पहले से ही इसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है ही, तो हम लोग ग्राफ यहाँ से किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना वेलोसिटी, सपोज पहले से बॉडी में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो हम लोग 2 मीटर से स्टार्ट करके एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ये फिलहाल अभी जाने दो, ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन इसके बाद में सिखाने वाला हूँ आपको, पहले अभी तो मैं सिर्फ आपको ग्राफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है ना, यूनिफॉर्म मतलब मैंने आपको बता दिया था, यूनिफॉर्म में आपका ये कांस्टेंट ही आता है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप रहेगा वेलोसिटी टाइम का वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखो ना स्ट्रेट लाइन है ऊपर ही है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला है आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, मतलब वो रुक रहा है, एक बॉडी तेजी से चल रहा था फिर वो धीरे यूनिफॉर्मली रुक रहा है, मतलब हर सेकंड पे -2 मीटर पर सेकंड से रुक रहा है, ठीक है, हर सेकंड पे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो रुक रहा है। अब एक पहले सेकंड में -2 मीटर पर सेकंड से रुका, दूसरे सेकंड में -2 स्क्वायर मतलब पर सेकंड से, मतलब हर सेकंड में यूनिफॉर्मली वो रुके जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो धीरे 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 कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, पोजिशन फटाफट चेंज कर रहा था टाइम के साथ साथ, बट एट लास्ट वो जीरो हो जाएगा,
कि जब रिटार्डेड मोशन में, तो वो रुक रहा है ना, धीरे धीरे रुक रहा है वो, और उसका जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ रहेगा वो स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी था ही अंदर, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, धीरे धीरे जीरो हो जाएगी टाइम के, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी जीरो, और एक्सेलेरेशन तो मैंने पहले ही बताया ना माइनस में, तो ये -2 यूनिफॉर्मली, मतलब क्या कि हर सेकंड में -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर मतलब वही हो गया ना एक्सेलरेशन, हर सेकंड में -2 पर सेकंड स्क्वायर उसका डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब रिटार्ड हो रहा है। तो ये जो ग्राफ आएगा वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे वो ग्राफ आएगा, ये नीचे माइनस ही होता है ऊपर प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये उल्टा गया है। कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट लेके आप स्लोप, स्लोप निकालने आता है, स्लोप निकालो आ जाएगा। जैसे पकड़ लो, मैं यहाँ पे स्लोप निकाल के आपको बताता हूँ। सपोज मैं ये पॉइंट को, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ, ये पॉइंट रहेगा आपका, अगर मैं इसको फाइव लेता हूँ, तो इधर एक्स का 0 है, वाई का 5 है। अगर इस टी नॉट को, टी नॉट को कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, ठीक है 3 ले लेता हूँ। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट विल बी 3,0। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x2 और ये y2 हो गया। तो स्लोप निकलता है y2 - y1, ये x1 y1 था ना, हाँ y2 - y1, तो 0 - y2 - y1 5 अपॉन, ये 3,0 था ना, ठीक है 0 - 5, 1 मिनट, हाँ तो 0 - 5 था, और आपका क्या था? 3 - 0, 3 - 0, तो ऊपर क्या बचता है? -5/3। तो स्लोप यहाँ पे माइनस में ही आएगा ना, -5/3, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, सिंपल है। ओके ठीक है भाई। तो बच्चों वो जो मैं अभी बता रहा था, वो सारे ग्राफ कैसे देखते हैं, बस ग्राफ आपको कौन से मोशन में कैसा ग्राफ देखना है, बस मैं वो बता रहा था, ठीक है। तो चलो भाई अभी हम लोग क्या करने का, अभी हमको ये जो ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। ये जो चार डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं। ओके तो इस डायग्राम को समझने से पहले, अगर मैं बोलूँ कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसको मैं क्या ले लूँ? यू वी ले लेता हूँ, वी नॉट ले लेता हूँ, 1 मिनट, ये नहीं चल। तो बच्चों कोई बॉडी है सपोज, ठीक है, एट अ टाइम, अरे यार इसको वापस क्या हो गया, तो एट अ टाइम T0, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी रहेगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, लेट से मैं इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट लेता हूँ, उसको हम लोग कहीं कहीं यू भी लेते हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को यू भी लेते हैं, काफी जगह पे, काफी टेक्स्ट बुक में यू भी लिया है, बट आपके एनसीईआरटी में वी नॉट लिया है। और एक टाइम आया जो कि टी, कुछ भी टाइम हो सकता है, 5 सेकेंड, 5, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी रहेगी कुछ भी रहेगी, लेट से वी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, एट अ टाइम टी। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज क्या होता है, लेट से मैं V1 लेता हूँ और ये V2 ले लेता हूँ, ये T1 ले लेता हूँ, ये T2 ले लेता हूँ, तो V2 - V1 अपॉन T2 -, तेरी ये क्या बन गया, ये T1, ठीक है। V2 क्या है? V - V0 अपॉन T2 क्या है? T - 0, T2 T है, T1 0 है, तो ये होगा V - V0 अपॉन T, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या आएगा, यहां से ध्यान से देखना, ये A = V - V0 अपॉन T आता है, तो T को आप इधर लेके जाओ, तो A * T = V - V0, सो देयरफॉर V = V0 + AT। तो ये आपका जो इक्वेशन बन गया, ये काइनामेटिकल का पहला इक्वेशन यहाँ से डिराइव्ड हो गया, ठीक है। ये होता है आपका काइनामेटिकल का फर्स्ट इक्वेशन, काइनामेटिकल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक पहला फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन जो कि हम लोग आगे बहुत यूज करने वाले, काइनामेटिक्स का जो इक्वेशन निकालेंगे ना हम लोग, उस इक्वेशन में हम लोग और यूज करें, सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे इसी इक्वेशन से निकालेंगे, थर्ड वाला जो इक्वेशन निकालेंगे इसी इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो ऐसे आया, ठीक है, तो ये आप याद रखना। अभी इसी इक्वेशन का जो चारों ग्राफ है ना, इसी इक्वेशन का वो ग्राफ देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब बच्चों आपको एक चीज, मैं जैसे एक्सेलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DV/DT, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन की बात करो या फिर एवरेज एक्सेलेशन की बात करो, एवरेज, एक मिनट, AV, एवरेज एक्सेलेशन की बात करो, तो DV, ये डेल्टा V / डेल्टा T आता है, मतलब वही होता है ना वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो बच्चों यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो जब ये वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी होगा? ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर एंड वेक्टर दो क्वांटिटी होते हैं, ये आगे वाले चैप्टर में आएगा शायद। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी देखते हैं। डायरेक्शन मतलब प्लस है कि माइनस में है, प्लस में जा रहा है कि वो माइनस में जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे ये ग्राफ देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा, मैंने बोला था ये मेरा इक्वेशन डिराइव v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे v नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ए एक्सेलरेशन है, टी इज टाइम लेंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इस पहला वाला ग्राफ, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये फिगर नंबर कौन सा यार? फिगर नंबर है 3.10। फिगर नंबर है टेक्स्ट बुक में 3.10। ठीक, सो हम लोग पहला ग्राफ देखते हैं ए वाला। तो इसमें देखो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम है। अगर मैं बात करूँ ये 5 है तो ये वाला तो कम ज़्यादा ही रहेगा ना। लेट्स से मैं 10 ले लेता हूँ मीटर पर सेकंड, वो यूनिट मैं नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप समझ जाना कि वो वेलोसिटी है तो उसका मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो ये 5 है, ये 10 है, मतलब जो ये ग्राफ गया है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुआ है। तो यू कैन से दैट जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा है। तो जब आप ऐसा बोलते हो तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और जबकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगा वो भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इस बी वाले ग्राफ की बात करते हैं। ये ए ग्राफ था, अब बी की बात करते हैं। तो बी में अगर मैं देखूं यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल ये 10 है और फाइनल वेलोसिटी 5 है, मतलब जो वेलोसिटी है वो मेरा कम हो गया ना यार, 10 से 5 हो गया। इसका मतलब क्या है? जो मेरा फाइनल वेलोसिटी है वो लेस देन इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? जो भी यहाँ पे कार, जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी समझ लो, कार हो गया या फिर कोई भी व्हीकल हो गया, कुछ भी मूव कर रहा है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया। देखो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ये प्लस, ये भी प्लस में, वाई एक्सिस भी प्लस में, ये एक्स एक्सिस भी प्लस में, तो ऑब्जेक्ट ये प्लस एक्सिस के में ही मूव कर रहा है। तो जब प्लस एक्सिस में मूव करता है तो ऑब्जेक्ट आपका प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी ये पूरा प्लस में, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो फाइनल कहाँ मूव किया? प्लस एक्सिस में ही मूव किया ना, नीचे तो नहीं आया ना, वो नेगेटिव में तो नहीं गया। तो ये भी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है क्योंकि ये प्लस एक्सिस में ही है, वो माइनस एक्सिस में नहीं गया। और फाइनल देखो ना, बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे आके रुक गया है, तो ये प्लस एक्सिस में ही है। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है इसका वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गया ना, पहले 10 था फिर 5 हो गया, तो वेलोसिटी कम हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव। अब सी की बात करते हैं। सी की अगर मैं बात करूँ सी डायग्राम की, तो देखो बच्चों इसमें जो आपका वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्योंकि देखो ये तो इसका पॉजिटिव है एक्स एक्सिस का, बट वाई एक्सिस का तो ये नेगेटिव है ना। हाँ, जब ये यहाँ पे नेगेटिव है तो जो भी ऑब्जेक्ट है आपका कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन है। अब देखो ये जो रहेगा वेलोसिटी यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी इसके पहले ही बताया, वेलोसिटी यहाँ पे का वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका हम लोग प्लस माइनस देखते हैं, तो ये माइनस में रहेगा वेलोसिटी यहाँ पे,
जब वेलोसिटी माइनस में रहेगा तो एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है ना यार, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रहा है बट वो निगेटिवली बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस फाइव था तो ये माइनस टेन हो गया भाई, ठीक है। बट वो उल्टा उल्टा बढ़ रहा है, मतलब वो पीछे, सपोज जो कार है वो आगे ही चलना चाहिए ना, वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। पीछे की तरफ वो वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस पर है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव वेलोसिटी पीछे की तरफ जा रहा है ना, पीछे की तरफ। तो जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ये याद रखना। माइनस फाइव से माइनस टेन मतलब पीछे जो गाड़ी चल रहा है ना वो पहले पांच था फिर दस हो गया, ठीक है। मतलब फास्ट मूव कर रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमें माइनस हमें ये बताना चाहता है कि ऑब्जेक्ट आपका पीछे मूव कर रहा है। ओके भाई, अब आगे देखते हैं ये वाला फिगर नंबर डी। तो फिगर नंबर डी थोड़ा बड़ा ही ठीक है, बट इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पॉजिटिव है, प्लस में है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस में ही है। तो ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके इनिशियल से लेके एट टाइम टी वन तक जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि प्लस है, ठीक है। लेकिन मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करो बच्चों, एक्सेलरेशन की बात करो तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे देखो, अगर आप कोई बॉल फेंकते हो नीचे से ऊपर, तो ऐसे ऊपर जाते हैं यहाँ पे आ जाता है, तो एक टाइम आता है, लेट्स से वो टाइम टी वन, जिस समय वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। तो देखो ये वही टाइम है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाएगी। फिर वो अब यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो गई, अब जैसे यहाँ पे जीरो हुआ तो वेलोसिटी वो नीचे आने लगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए वो देखो ये हमारा ग्राफ हम लोग ऐसा दिखाएंगे नेगेटिव में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी गिर रहा है बच्चों। तो ड्यू टू जब ग्रेविटी ऑब्जेक्ट आपका नीचे गिरता है तो हम लोग उसको माइनस जी लेते हैं, ठीक है। माइनस जी क्यों लेते हैं? क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ये नीचे की तरफ है ना भाई। तो नीचे की तरफ क्या होता है? नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये चारों ग्राफ आपको समझ गया क्या था, और इसके पहले जो मैंने आपको बुक में देख के ग्राफ बताया वो भी ठीक है, वो भी समझ गया, वो एक्स्ट्रा ग्राफ मैंने आपको बता दिया, बट ठीक है। अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं क्या है, जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है और, ठीक है, वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। तो आगे का जो ये पार्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें देखो मैं दोनों बता देता हूँ, एक तो वो भी बताता हूँ दूसरा भी बताता हूँ। तो पहला वाला जो है ना वो आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम का ग्राफ। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस पोजिशन पर है, यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये रहेगा, लेट से यू ले लेता हूँ, और वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट ये रहेगा, और टाइम का कोऑर्डिनेट लेट से कैपिटल टी लेता हूँ। तो इसका जो एरिया कवर होता है बच्चों, क्या होता है? एरिया कवर, ये जो भी एरिया कवर होगा यहाँ पे, एरिया कवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो भी एरिया कवर होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ओके भाई, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो भी एरिया कवर होता है, जो भी एरिया कवर होगा उसको हम लोग बोलेंगे उसका जो भी वैल्यू आएगा वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगा दो, साइड स्क्वायर। अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दो, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर ये ट्राइंगल बनता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, ठीक है। ओके भाई, इतना तो समझ में आ गया। अब अगला जो है, तो अगला ये एक और मैं बता देता हूँ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका ये लेट से ए नॉट हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल डी। तो यहाँ पे जो एरिया कवर होगा, यहाँ पे जो एरिया कवर होता है
एरिया कवर होगा वो होगा आपको बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे होगा वो वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में जो भी एरिया कवर होता है वो होता है आपका वेलोसिटी, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो भी एरिया कवर होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, अगर स्क्वायर है तो वही मैंने जैसा इसमें निकालते हो वैसे एरिया निकालना है, कुछ भी वो फिगर डायग्राम हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ये आपको आगे सब में आएगा। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, ठीक है, और अगर आप अनलाइक करते तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दें भाई क्या हो गया, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप लाइक करके तो भी कमेंट करते तो अच्छी बात है बच्चों, मेरा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाते रहने का। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, क्योंकि मैं फिजिक्स के सारे वीडियोज लेके आने वाला हूँ क्लास 11 एंड 12 के, ठीक है बच्चों। और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर जरूर शेयर करें, ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, सबके साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द बच्चों।